मीडिया एंड साइंस मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन्वामेंटल इश्यूज़ की अवेयरनेस के लिए भी उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और कम्युनिटी को मोबालाइज करने के लिए भी इट इज़ अज्यूम दैट द मीडिया प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन सेटिंग द पॉलिसी एजेंडा जहाँ भी कहीं पॉलिसीज़ बनती हैं कहीं क्राइम होता है कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रही थी कहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही थी कहीं एजुकेशन का इशू है तो मीडिया ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करता है जब मीडिया ऐसी चीज़ों को हाई करता है तो जो पॉलिसी मेकरज होते हैं पॉलिसी एजेंडाज जब बनते हैं तो प्रॉब्लम्स बी एंग हाई थ्रू मीडिया दे फाउंड द स्पेस इन द पॉलिसी एजेंडा सेम इन द टर्म ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ अगर मीडिया उन्हें हाई करेगा मीडिया पर्सन को उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो पॉलिसी एजेंडा में भी स्पेस उनकी बनेगी एंड द अमंग अदर्स हैव एमंग्जाम द रोल ऑफ मीडिया कवरेज इन जनरेशन सोशल अटेंशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सोशलॉजिस्ट का ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको मीडिया में कितना हाईलाइट किया जाता है मीडिया उनको कितनी कवरेज देता है मीडिया की कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है इन इश्यूज के बारे में और मीडिया कैसे इनको अंडरस्टैंड करता है उनकी नजर नज़र में इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है जब मीडिया इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा होता है रिस्पोंड कर रहा होता है पॉलिसी एजेंडा में इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को स्पेस मिल रही होती है मीडिया कवरेज कन्वेज मोर साइंटिफिक डाउट रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड डेट अदर एडवांटेज नेशन प्रिजम्बली ड्यू टू द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मीडिया का जो रोल है उसमें जितना इन्वामेंटल इश्यूज के लिए उनको रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे बेस करती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से सी ओ टू मिशन प्रोड्यूस होता है पेट्रोल डीजल को यूज़ करने से एयर पोल्यूट होती है इन्वामेंट पोल्यूट होता है तो क्योंकि इकानोमी का बहुत बड़े बड़े पावरफुल जो ग्रुप्स हैं उनका रिलेशनशिप है मीडिया के साथ या वो ओन करते हैं वो मालिक हैं मीडिया ग्रुप्स के तो तो सोशलोजिस्ट स्ट्रॉन्गली इसे फील करते हैं कि मीडिया की तरफ से इन्वायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा फॉर एग्जाम्पल हेजबेज ईयरली टू थाउजेंड फाइव हेज इम्फिस दैट द इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हैविली रिलायंस ऑन साइंस इज़ द मिक्सड ब्लैसिंग ऑफ सेवरल रीजन साइंस में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स इनके सोल्यूशन के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा काम करती है इन टर्म्स ऑफ मीडिया मीडिया उतना काम नहीं करता जितना उन्हें करना चाहिए डिमांड ऑफ साइंटिफिक प्रूफ कैन बी यूज टू स्टार इलेक्शन पार्टिकुलर बाई अनसम्पथेटिक पोलिटिशन जो साइंटिफिकली प्रूवड हैं कि वाटर क्वालिटी यहाँ टी डी एस इतना था अब इतना हो गया है बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन इतनी थी जो केमिकल कंटेमिनेशन अब इतनी हो गई है तो साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ जो पॉलिटिशन हैं उन्हें कायल करना कि इन्वायरमेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स इतना बड़ा चैलेंज है द प्रॉलमेस्टिक एंड टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंटिफिक एविडेंस फाइल्स शॉर्ट फॉर द डेफिनेट आंसर ले पॉलिसी मेकर सीख उनको क्योंकि फिर वो पॉलिटिशन पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठते हैं या खुद पॉलिसी फॉर्मेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं जब साइंटिफिक एविडेंस की बुनियाद पे उन्हें एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो पॉलिसी मेकिंग में इन्वायरमेंटली सेंसिटिव पॉलिसी बना सकेंगे रिलायंग ऑन साइंटिफिक क्लेम्स मेक इन्वायरमेंटल वेबल टू द काउंटर क्लेम्स बाय द स्पेक्टिव साइंटिस्ट सपोर्टेड बाय द इंडस्ट्रीज अच्छा अब इन्वायरमेंटल इश्यूज को मीडिया में हाई नहीं होने दिया जाता और दूसरी तरफ क्योंकि सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो ह्यूमन इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल उन लोगों का है जो इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो तेल पैदा करने वाली कौमें हैं जिन पे पूरी दुनिया की गाड़ियाँ पूरी दुनिया का निज़ाम और पहिया चलता है अब वो अगर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं वो एविडेंसेस प्रोड्यूस करते हैं कितना इतना डैमेज हुआ है इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वो जो पावरफुल लोग हैं जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हैं मल्टी नेशनल हैं इंडस्ट्रीज़ हैं वो काउंटर रिसर्च करा के काउंटर आर्गुमेंट्स प्रोड्यूस करती हैं जो पॉलिसी मेकिंग में पॉलिटिशियंस को पॉलिसी मेकर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं और वो पॉलिसीज़ ऐसी नहीं बनने देते जिनसे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों जो इन्वायरमेंटली रिस्पांसिबल एक एटीट्यूड है पॉलिसी मेकर का उसको डेवलप नहीं होने देती उसको डेवलप करने के लिए मीडिया जैसे दूसरी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करता है मीडिया अगर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करे तो एक बेहतर विन विन सिचुएशन हो सकती है